नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय करण लगातार बोलता हुआ नजर आ रहा है कि जो मेरे साथ में हुआ है, जो प्रीता ने किया है, उसके लिए मैं प्रीता को कभी माफ नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों प्रीता के लिए सोच रहा है कि प्रीता तो अब इस दुनिया में रही नहीं है, लेकिन आखिरकार मैं गुस्सा निकालूं तो निकालूं किससे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता के लिए आज भी बहुत कुछ बोलता हुआ नज़र आ रहा है करण। क्योंकि करण का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और करण का मानना ये है कि जो मेरे साथ में हुआ है मैं उसे कैसे भूल जाऊँ। और वाकई में दोस्तों करण की बात अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी है। करण चाहता भी यही है कि काश अगर प्रीता होती तो आज सॉरी बिल्कुल बिगड़ा हुआ नहीं होता, बिल्कुल सुधरा हुआ होता। लेकिन दोस्तों खाली वो उसका एक सोचना है, और सोचना भी कैसे है आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में जिस तरीका से वो सोचता हुआ नज़र आ रहा है, उसका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है और सुरक्षित है। वहीं दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट मिल रही है, वहीं पे आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही आखिरकार सौर्य के लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आने वाला है। इस समय आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि सौर्य के लिए जो कि राजवीर और पलकी दोनों के दोनों इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में और क्रोधित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सौर्य ने जो फंसाया था उस वक्त राजवीर को और पलकी को, इस समय उस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्से के उसमें नज़र आ रहा है राजवीर। और राजवीर ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये अमीर ज़्यादा है लेकिन इसकी हैकड़ी मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो शर्म करता है वो थोड़ी सी शर्म सिर्फ करण लूथरा की ही है, क्योंकि दोस्तों करण लूथरा की शर्म उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना करने के लिए मजबूर करती है। नहीं तो वो जो चाहे जब चाहे वैसे कर सकता था, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं किया। साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें।